औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ, अल्लाह आपका रौफ़ी अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फ़रमाए और सानिया तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मज़्डा 6 है, 2014-15 मॉडल है। इस व्हीकल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर क्लेम कर रहा है कि एसी ऑन करने पे कुछ देर चलने के बाद कंप्रेसर से साउंड आने लग पड़ती है और सिस्टम बार बार डिस्टर्ब होता है, या तो बार बार ट्रिपिंग करने लग पड़ता है या तो फिर ऑटोमेटिक चलना बंद कर देता है। तो आज हम इस गाड़ी को डायग्नोस करेंगे और देखेंगे इसमें जो फॉल्ट आ रहा है। ऑलरेडी मैंने इसका फॉल्ट सॉर्ट आउट कर लिया है, जिसमें किसी ने रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज की हुई है, जिस वजह से ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है। आज मैं आपको मैनुअली भी दिखाऊंगा और हम इसे स्कैनर के ऊपर भी चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके दोनों तरीकों से। बहुत सारे दोस्त हैं जो काम करते हैं मगर अच्छे तरीके नहीं करते हैं। ओवर रेफ्रिजरेंट फिल करने के बहुत सारे नुकसान आते हैं। ज़्यादा ओवर रेफ्रिजरेंट फिल करने से आपका हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जिस वजह से फिर सिस्टम डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। अगर ज़्यादा टाइम इस तरीके आपका एसी का सिस्टम लॉन्ग रूट पे चलता रहे तो आपका कंप्रेसर भी जाम हो सकता है जल के, जिसके बाद में बहुत सारे नुकसान देखने पड़ते हैं। और बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं कि अगर इस तरह का कुछ नुकसान हो जाए तो वो उसकी भरपाई कर पाएँ। इसलिए हुदारा अच्छे तरीके काम किया करें ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बाहर चलते हैं, पहले इसे मैनुअली मैं आपको गेज पे दिखाता हूँ और फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे स्कैनर के ऊपर। दोनों तरीके इसलिए दिखाऊंगा कि बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास स्कैनर की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल एसी का सिस्टम होता है उसके अंदर 100 या 110 तक रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी होनी चाहिए, ये मैक्सिमम क्वांटिटी होती है। और कंपनीज़ ने रेकमेंड जो की होती हैं वो तकरीबन 100 या 110 तक होती है। जब आपका टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं इस टाइम इधर 36 सेल्सियर है, और जब रेफ्रिजरेंट ओवर फिलिंग किया होता है तो हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की सूरत में कंप्रेसर पे लोड आता है और लोड आने की सूरत में कंप्रेसर साउंड करने लग पड़ता है, जिस वजह से ज़्यादा देर अगर इस तरीके चल जाए तो कंप्रेसर जाम भी हो जाते हैं और पूरा सिस्टम स्टक हो जाता है। जो एक नॉर्मल रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी होती है वो 100 और 110 तक होनी चाहिए मैक्सिमम, और अगर बहुत ज़्यादा शद ज़रूरत हो तो 120 तक होनी चाहिए, वो भी बड़ी गाड़ियों में, जैसे कि हमारी लैंड क्रूजर्स वगैरह हो गई, SUVs। मगर जो छोटी व्हीकल्स होती हैं उनमें 100-110 बिल्कुल नॉर्मल एक्यूरेट रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी होती है। अब बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर मैंने गेज ऑलरेडी लगाई हुई है और देखते हैं इसके अंदर कितना रेफ्रिजरेंट है। ये आप देख सकते हैं, इसके मैंने सेक्शन के ऊपर ब्लू गेज लगाई हुई है और आप इसकी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी देख सकते हैं, 140 आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज हो चुकी है। अब होता क्या है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और गाड़ी कुछ लॉन्ग रूट के ऊपर चलती है तो रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज होने की वजह से इसका हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से कंप्रेसर के ऊपर जो लोड आता है इस वजह से कंप्रेसर साउंड करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ गाड़ियों के अंदर ये बार बार ट्रिपिंग करने लग पड़ता है और कुछ गाड़ियों के अंदर ये ट्रिपिंग करना छोड़ देता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर इसके अलग अलग कोजेज़ आते हैं, मगर जो एक अच्छा टेक्नीशियन होता है वो अपना काम अच्छा से करता है, तसल्ली से करता है, उसके काम से ही उसके काम का मियार पता चलता है। अभी आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट इसमें ओवरचार्ज है, जिस वजह से हमारा कंप्रेसर भी ख़राब होने का अंदेशा होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो हुदारा काम को अच्छे तरीके किया करें ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। ये लेटेस्ट मॉडल की व्हीकल्स होती हैं, कंप्यूटराइज सब सिस्टम है, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ज़्यादा पैसों का ज़्यादा तकरीबन 100 या 110 तक होनी चाहिए थी। अब मैनुअली भी हमने चेक कर लिया है, अब इसे स्कैनर पे भी देखते हैं। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट जी फ्रेंड, गाड़ी आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट कर दी है। इसे इग्निशन ऑन पे भी हम चेक कर सकते हैं, मगर हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। इधर से स्कैनर के ऊपर अब चेक करेंगे इसे। जेनेट Z5 जो कि G-Scan 3 का लेटेस्ट मॉडल है, इधर से जेनेट ओपन करेंगे।
डायग्नोज को प्रेस करेंगे, इधर से मज़्डा में जाएंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ये ऑटोमेटिक विन रीड कर लेगी। आप देख सकते हैं विन नंबर इसने रीड कर लिया, इधर से ओके कर देंगे। अब इधर से हम जाएंगे पीसीएम ट्रेन में, पावर ट्रेन में ओके कर देंगे। अब इसे हम लाइव डाटा के अंदर चेक कर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट ओपन करेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारा एसी का लाइव डाटा में पूरा सिस्टम आ गया है। आप ये देख सकते हैं एयर कंप्रेसर अभी हमारा एयर कंडीशनर कंप्रेसर अभी ऑफ है। एसी का प्रेशर सेंसर आप देख सकते हैं 2411 केपीए दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई दिखा रहा है। ये तकरीबन 1600-1700 तक नॉर्मल होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट इसके अंदर ओवर है, जिस वजह से ये ज़्यादा दिखा रहा है। और आप ये देख सकते हैं एसी प्रेशर सेंसर का जो आउटपुट सिग्नल भी हमें मिल रहा है वो तकरीबन 3.68 है, जो कि ये भी हाई दिखा रहा है। रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज करने की वजह से ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, और इस तरीके अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम हमारा कंप्रेसर चलेगा तो जल भी जाएगा और बाकी सिस्टम भी पूरा डैमेज कर देगा। अब मैं इधर से कंप्रेसर ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, ये ठंडक भी प्रॉपर नहीं दे रहा है, और इधर आप देख सकते हैं हमारा प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आप ये देख सकते हैं इसका साइकिल ज़्यादा दिखा रहा है। अब बाहर भी चल के मैनुअली भी देख लेते हैं, और फिर इसके अंदर से थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करेंगे इंशाल्लाह, और फिर चेक करेंगे जो हमारा सिस्टम प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर होता है कि नहीं। लाइव डाटा के अंदर आप ऑलमोस्ट सब चीज़ें इजीली चेक कर सकते हैं, लाइव डाटा को सीखें आप ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अब मैं इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट कम करूंगा, और इधर जो हमारा 2414 आ रहा है केपीए, वो तकरीबन 1.6-1.7 मतलब 1700 तक आ जाएगा, जो कि नॉर्मल होता है। अब बाहर चलते हैं और रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करते हैं इसमें से। एसी ऑलरेडी हमारा चल रहा है। ऑलरेडी मैं अपना से डिस्चार्ज कर रहा हूँ, देखें अब साथ ही हमारा कंप्रेसर ऑटोमेटिक ट्रिपिंग भी होने लग पड़ा है। थोड़ा सा और इसमें से कम करेंगे। और तकरीबन अब हमारा प्रेशर बिल्कुल ठीक आ गया है, इसका 3 पिन हाई प्रेशर सेंसर लगा है, जो कि अंदर हमारे कंप्यूटर को पूरा सिग्नल वगैरह दे रहा है। बंदर चलते हैं और गाड़ी का इंजन ऑफ कर देते हैं, और तकरीबन इसे 40-45 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। अगर गेज हमारी 110 पे आ जाएगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी होती है। ओवर चार्ज होने की वजह से इसकी ठंडक मुतासर हो रही थी और बार बार हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा था। कंपनी ने इसके ऊपर रिकमेंड भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं R134A रेफ्रिजरेंट और 0.490 kg, मतलब हाफ के जी इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है 500 ग्राम के करीब। तो जितना रेफ्रिजरेंट कंपनी रेकमेंड करती है उतना ही फिलअप करना चाहिए। जब ओवर आप इसमें चार्ज करते हैं तो फिर नुकसान होता है, हाई प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है और एसी का सिस्टम भी डिस्टर्ब करता है। और सम टाइम अगर आप इसको ज़्यादा देर इसी तरीके एसी को यूज़ करते रहें तो आपका कंप्रेसर वगैरह जाम हो जाता है और पाइपलाइन के अंदर पूरा कार्बन सिस्टम आ जाता है, जिस वजह से फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, 110 और 110 तक मैक्सिमम होना चाहिए। कोई भी ब्रांड होने दे, कोई भी मॉडल होने दे, उसकी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी अलग आ सकती है। किसी में 500 ग्राम आएगी, किसी में 700 ग्राम आएगी, मगर फिल होने के बाद 1 घंटे के बाद आपकी गेज 110 पे आ जाएगी, तो ये साइन होता है कि आपकी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट है। ओवर रेफ्रिजरेंट फिल करने से आपका कंडेंसर बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है और आपका सिस्टम डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े तो बस तक फ़र्क करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।